अस्सलामुअलैकुम। ईद के मौके पर अभी हम निकल रहे हैं खाने के लिए। कुछ दोस्त मेरे साथ हैं, कुछ नए चेहरे, मिस्टर फयाज चौहान, शायद भाई थे एक साथ। सर पहले वेलकम आपको बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में। मैं अपने व्यूअर्स को छोटा सा एक ते प्यार दूजा तेरे नाल तीजा बेशुमार हो गया। क्या बात है फयाज भाई, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमारे YouTube चैनल को चार चांद लगा दिए। ये मैं अपने व्यूअर के लिए गाना गाया कि और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और देखिए ये आपसे मोहब्बत का इजहार करते हुए आई लव यू गाइस गाना गाया है। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, हेल्प की बहुत जरूरत है। बिल्कुल ऐसी ही इंशाल्लाह हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फयाज भाई आपको ज्यादा अच्छे नजर आएंगे। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। इंशाल्लाह। तो अभी हम रास्ते में हैं, सिग्नल पर वेट कर रहे हैं। ये आगे जो गाड़ी है ये भी हमारी अपनी है, कुछ फ्रेंड्स हमारे साथ हैं। आज हम दुबई में फ्रेश कढ़ाई खाने के लिए जा रहे हैं सारे दोस्त। रेस्टोरेंट का नाम तो बताइए। रेस्टोरेंट का नाम सेम पाकिस्तानी स्टाइल में है, ट्रक अड्डा। क्या बात है, जुमेरा वन में। बहुत सुनी है जुमेरा वन में। जी जुमेरा वन में। जी इंशाल्लाह फिर आपको वहाँ मिलते हैं आगे। इंशाल्लाह चले जी, सिग्नल ओपन है, अब मिलते हैं आपसे वहाँ पर। ये है बिल्डिंग अल हुदैबा अबाद, इसके नीचे है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर अभी हम आए हैं। जी भाई, ये रेस्टोरेंट का नाम लेके मेरी भूख में इजाफा कर दिया है। मैं अभी भूख से मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलिए आप दो रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। दो रोटी ज्यादा खा गया तो फिर चलो कोशिश करेंगे। अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है आपने। मैं जिम भी कर रहा हूँ 3 महीने से, फर्क 1 किलो का भी नहीं आ रहा। वैसे बैतल मंदी की ब्रांच थी यहाँ पर पहले, वो यहाँ से अभी हमने क्लोज कर दिए। बैतल मंदी की ब्रांच अभी सिर्फ जो मुरक्काबाद में ये जो वहीं से हम डिलीवर करते हैं। ट्रक अड्डा पर अभी हम बैठे हुए हैं और ये मिस्टर अकील जी। तो अभी हम यहाँ खाना एंजॉय करेंगे। जी अभी और हम आपको बताएंगे कि खाने का टेस्ट कैसा है। वैसे आपने ऑर्डर क्या किया सर, आपने ऑर्डर क्या किया? एक स्पाइसी कौन सा वाला है? ग्रीन था आपने लिया? क्या ग्रीन है दोस्तों, सी बोलो ना सर। ये उंगली हटाओ अपनी। हां जी, ग्रीन स्पाइसी कढ़ाई। ओके, 1 kg बोला है और 1 kg नॉर्मल कढ़ाई बोले। हमारे साथ बेबी बॉय भी है ना, जिसका सुनते ही मुंह में पानी भी आ गया। बहुत भूख लग रही है शहजाद भाई, क्या बताऊँ आपको। नहीं आपके लिए तो ऑफर है, 2 रोटी आपने एक्स्ट्रा खानी है। फिर ये मुझे कौन उठा के दे जाए? रफाकत जट हमारे पास है ना, जट भाई कचोकड़े वाले हैं, स्ट्रांग आदमी भाई, बहुत प्यारे हमारे भाई हैं। हाल ही में इन्होंने लव मैरिज किया है माशाल्लाह। भाई ये हमारे सबसे मौजूद आदमी और अंकल हैं ये हमारे, हम प्यार से अंकल बोलते हैं, वैसे एज में तो हमारे बराबर है। और मिस्टर रफाकत के बारे में क्या? रफाकत जट साहब है हमारे, उसामा भाई इनके बारे में मशहूर है। ये जिम पे 6 महीने से जा रहे हैं और एक मसल भी नहीं जागा अभी तक। मसले जागे हुए हैं बस, मसल नहीं जागा अभी तक। एक शेर सुनाते हैं। इरशाद तुझे देखे बिना तेरी तस्वीर बना दूं। वाह 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 वाह, आशिक है प्योर आशिक, जर्सी आशिक जो सही चलता है। वाह वाह, तुझे देखे बिना तेरी तस्वीर बना दूं, तुझे मिले बिना तेरा हाल बता दूं। वाह वाह, है दम मेरी मोहब्बत में इतना, तेरी आंख का आंसू अपनी आंख से। वाह वाह, इधर कैमरा, वाह वाह, और स्पाइसी आशिक। वाह वाह, क्या बात है। आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं? बहुत ज्यादा नहीं नहीं से। आप क्या बताऊं मैं आपको, मोहब्बत नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा बड़ा पा नाल है। सर ये खाना आ चुका है। सर ये क्या है? एक कढ़ाई। कौन सा वाला? एक वो ग्रीन कढ़ाई भी था ना, ग्रीन आ रहा है। आ रहा है वो भी, आ रहा है। जी सर फरमाइए, आपको खाना कैसा लगा? सर बेहतरीन खाना था, फयाज भाई की फरमाइश पे इनका अच्छा था। तो मैं इनसे कमेंट्स के लिए आया हूँ, बोल रहा हूँ ना, प्लीज होस्ट की सुननी चाहिए, अपनी बारी बारी पे बोलिए ना। तो सर अब हम इनसे कमेंट्स लेंगे, खाना इनको कैसा लगा? जी सर आपकी फरमाइश पे खाना इनका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, कि इनका जो स्पाइसी था ग्रीन वाला वो अच्छा टेस्ट था उसका। और 2 किलो हमने कढ़ाई बोली है, वो हमसे कम मिस्टेक हुई है, कम हो गई है। फिर हमने 2 दाल खा के साफ बराबर किया।
सर नेक्स्ट। और हम अपने अंकल से भी थोड़ा सा कमेंट्स लेना चाहते हैं। आप बोलें कैसा लगा आपको खाना? मुझे भी बहुत मजा आया सर जी, बहुत शुक्रिया फयाज भाई, आपने हमें इधर लेके आए, बहुत शुक्रिया। झंडा अच्छा झंडा भी खा लिया चाचा तो फरमाइए। ठीक है सर, तो खाना तो हम खा चुके हैं, अब हम चाह रहे हैं चाय पीने की तरफ, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके आपसे रब्ता करते हैं। वो हम सतवा में जा रहे हैं, वो अंकल की फरमाइश पे। अच्छा जी, शायद भाई की फरमाइश, शायद भाई तो वहाँ चल के आपसे बात करते हैं। सर जी ये अब हम पहुँचे टीटोन पे, चाय लिए अभी और अब चाय पी रहे हैं, बहुत अच्छी चाय है इनकी। शिदेव भाई आस पास से चलो सही है इस पर। अभी बस ये कि अभी हम निकलते हैं, बंदे ने सो जाना है, ये मेरी चाय है और अभी निकलते हैं, थोड़ा जल्दी है इंशाल्लाह।